हेलो ऑल, केवीएस पीजीटी टीजीटी मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन. कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x dy ओवर dx माइनस y इक्वल्स टू 3 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला और एलिप्स. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ. 2x dy ओवर dx माइनस y इक्वल टू 3. ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2x. सो dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन 2x y इक्वल्स टू 3 ओवर 2x. ठीक है, अब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करिए. सो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट इज dy ओवर dx प्लस px dx, सॉरी px y इक्वल्स टू क्यू एक्स. सो अगर आप कंपेयर करेंगे ना इससे, तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू आपके पास सीधे सीधे आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 3/2x. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना. आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. ठीक है, सो ई टू दी पावर पी हमारे पास है माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. सो ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस हाफ लॉग एक्स. ठीक है, सो लॉग एंड ई एक दूसरे के एंटी हैं, कैंसिल कर सकते हैं इनको. बट फॉर बिफोर दैट माइनस वन बाई टू को आपको एक्स की पावर में लेके जाना पड़ेगा, मीन्स एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा. सो ये आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स. ठीक है, ये टर्म यहाँ पे रहेगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स. नाउ सॉल्यूशन पार्ट आपको याद रखना है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इज गिवन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू डी एक्स प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट सी. ठीक है, सो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न करेंगे. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा था अंडर रूट एक्स डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स. क्यू की वैल्यू है 3/2x एंड प्लस सी. सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर न्यूमिनेटर में लेके जाना है. देखो हाफ एंड वन 3/2 विच इज माइनस 3/2 डी एक्स. सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यह आ जाएगा x की पावर माइनस हाफ ओवर माइनस हाफ प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 3/√x प्लस c. ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आपका यहाँ पे आगे है, बट बिकॉज उसने ज्योमेट्री पूछा था कि सॉल्यूशन कौन सी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है, सो इसके लिए थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो आप अंडर रूट एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिएगा. सो सी अंडर रूट एक्स ये आ जाएगा. अगेन आपको 3 को लेफ्ट में शिफ्ट करके दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा. सो वाई माइनस 3² इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू एक्स. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब इस फाइनल आंसर पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करता है. तो आपको याद रखना है, जब भी आपके पास इक्वेशन इस दो वेरिएबल में इस टाइप की हो कि एक वेरिएबल 2 डिग्री का हो, क्वाड्रेटिक में हो, और दूसरा वेरिएबल लीनियर मींस 1 डिग्री में हो, जैसे यहाँ पे हो गया एक्स 1 डिग्री में है एंड वाई 2 डिग्री में आ रहे हैं. सो सच ज्योमेट्रीज आर ऑलवेज ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को. तो आंसर आपका हो जाएगा 3rd ऑप्शन. ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था. इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंस्टाग्राम आईडी का अपनी. और बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.